नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला मुख्यालय गरियाबंद के गांधी मैदान में झमाझम बारिश के बीच सौगातों की बौछार लगा दी। यहां विकास कार्यों के लोकार्पण, भूमि पूजन, वन अधिकार, आजीविका सम्मेलन और अभिनंदन समारोह में वे शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने 135 करोड़ रूपये के विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम के मंच पर आते ही विभिन्न समाज संगठनों के लोगों ने उनका जोशीला स्वागत किया। इस कार्यक्रम में मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री रविन्द्र चौबे, मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ ही विधायक अमितेश शुक्ल मंच पर मौजूद रहे। सीएम भूपेश ने बड़ी सौगातें देते हुए पिपरशेड़ी इंदागांव को उप तहसील, मैनपुर को राजस्व अनुविभाग की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पर 135 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। के बावजूद भी हजारों के तादाद में गरियाबंद में यहाँ सभा हुई। सभी लोग, चाहे अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। बहुत जबरदस्त कार्यक्रम हुआ और यहाँ वन अधिकार पट्टे बांटे गए, सुपोषण कार्यक्रम किट भी बांटे गए, उसके साथ साथ कंप्यूटर भी दिया, लैपटॉप भी दिया गया और वन अधिकार अधिमान्यता पत्र भी वितरण किया गया है, राशन कार्ड सब वितरण किया गया है। धंधेवाड़ा उपचुनाव के पास आते ही राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी और सीपीआई की कांग्रेस पर सीपीआई ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि किरंदुल शहर के वार्ड क्रमांक 7 में कांग्रेस की महिला एल्डरमैन शमशाद बेगम पर मतदाताओं के घर घर जाकर साड़ी बांटने का आरोप लगाया है। इधर मामले में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इन सब आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा है कि भाजपा और सीपीआई की अपनी हार का डर सता रहा है, तभी वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं। इसकी शिकायत मैं आज ही जो किरंदुल थाने के प्रभारी है उनको मैं टेलीफोन पे शिकायत किया उनको, और उन्होंने बोला कि मैं ठीक है, अभी तहसीलदार को मैं खबर करता हूँ, तो तहसीलदार को भी उन्होंने जानकारी दी होगी। अभी हम जिला निर्वाचन अधिकारी के पास भी जा रहे हैं, इसकी शिकायत हम करेंगे। अभी निर्वाचन कार्यालय में हम लोग उपस्थित हैं। सीपीआई और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के दल कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, सब झूठ है। अभी तो हम लोग विधि को शुरुआत भी नहीं किया प्रचार का, हम लोग प्रक्रियाओं में गुजर रहे हैं। कल सिम्बा इलाका होगा, उसके बाद विधिवत हम लोगों का प्रचार प्रसार शुरू होगा। जिस ढंग के लोग आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और सीपीआई अपनी हार सुनिश्चित समझ कर इस ढंग से आरोप लगा रहे हैं। और अब खबर धर्मजगर से है, जहां पर विधायक लालजीत सिंह राठिया ने अचानक सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां पर व्यवस्थाओं का अंबार देखकर विधायक ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों को जमकर फटकार लगाई और मरीजों से बातचीत की। वहीं निरीक्षण के दौरान कुछ मरीजों को बाहर से दवा खरीदने की बात पर विधायक खासे नाराज हुए और मौके पर व्यवस्था को सुधार करने की नसीहत भी दे डाली। जब आया उस समय हमको दवाई के लिए भेजा गया, यहाँ से दवाई नहीं दिया गया। गोरेला थाना में पूर्व मुख्यमंत्री और मरवाही विधायक अजीत जोगी के विरुद्ध समीरा पैकरा ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने और उसका छल पूर्वक दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए अपराध दर्ज कराया है। जोगी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। समीरा पैकरा ने FIR तत्कालीन तहसीलदार पत्रस तर्की के उस शपथ पत्र के आधार पर की है, जिसमें तर्की ने यह दावा किया है कि उनके द्वारा जोगी का प्रमाण पत्र कभी जारी नहीं किया गया और हस्ताक्षर भी उनके पास नहीं है। प्राथमिकी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 249/19 धारा 420, 467, 468, 471 भादवी के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के खिलाफ गोरेला थाने में केस दर्ज किया गया है। कार्यवाही फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में हुई है। आवेदन मरवाही विधानसभा की पूर्व विधायक प्रत्याशी और जिला पंचायत सदस्य समीरा पैकरा ने दिया। पैकरा ने तत्कालीन तहसीलदार पत्रस तिर्की के उस शपथ पत्र के आधार पर केस दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि जोगी का प्रमाण पत्र उन्होंने कभी जारी नहीं किया।
इसलिए पत्र में उनके जो हस्ताक्षर हैं वे फर्जी हैं। पैकरण एफआईआर में आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने फर्जी प्रमाण पत्र का लाभ लेकर छल किया है। दर्ज एफआईआर के अनुसार अजीत कुमार जोगी पिता स्वर्गीय काशी प्रसाद जोगी, जो वर्तमान में आरक्षित जनजाति के लिए मरवाई विधानसभा से विधायक हैं, प्रमोद कुमार जोगी के नुकसान पहुंचाने के नियत से पत्रक देखी नायब तहसीलदार द्वारा ऐसा बताया गया है कि उन्होंने दो तरह के इसमें शपथ पत्र दिया है कोर्ट में कुछ। और खबर पत्तल गांव से है, जहां पर सड़क की बदहाली को लेकर युवाओं ने जशपुर कलेक्टर से मुलाकात की। प्रवास पर पहुंचे कलेक्टर खुद यहां की सड़कों पर चलते हुए खिसकोले खा रहे थे। जशपुर की सीमा में प्रवेश करते ही आभास हो जाता है कि पत्तल गांव की सड़क चलने लायक नहीं है। इसे शीघ्र सुधारने की मांग करते हुए युवाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर ने इस पर त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया है। ये जो लोकेशन है हमको अभी जानकारी प्राप्त हुई, उसको हम स्टेप्स आपको निर्देशित करते कि उसको देख ले, उसमें क्यों वो वहाँ पे उसका हैंडओवर नहीं लिए है और उसको तत्काल हैंडओवर करा लेंगे। और खबर रायपुर से आपको बता दें, जहां पर माध्यमिक शिक्षा मंडल एक ही विवाद में पर्दा डालने के चक्कर में नए विवाद में फंस गया। दरअसल माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अनुसंधान में 11वीं के विद्यार्थियों को एक दूसरे स्कूलों में अटैच किया, लेकिन अटैच की कार्रवाई में मस्त अधिकारियों ने हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को अंग्रेजी स्कूल में अटैच किया और अंग्रेजी मीडियम स्कूल के विद्यार्थियों को हिंदी मीडियम में अटैच किया, जिसके चलते विद्यार्थियों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। क्या देखिए क्या होता है कि उनमें छात्र हित को ध्यान में रखा जाता है, कोशिश ये की जाती है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी मीडियम में, अंग्रेजी मीडियम बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में ही संलग्न किया जाए। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई स्कूल हिंदी मीडियम का है और अंग्रेजी मीडियम के बच्चों को संलग्न करना है और अंग्रेजी मीडियम का स्कूल जो है 15 किलोमीटर दूर है, तो फिर बच्चों को असुविधा होती है। ऐसी स्थिति में कहीं कहीं पर हिंदी मीडियम के स्कूल में भी संलग्न किया। वहीं छत्तीसगढ़ में मान्यता राह में खड़े 133 स्कूलों ने दोबारा अपनी कमी पूर्ति कर फिर से आवेदन कर दिया है। अब मान्यता समिति नियमानुसार ये फैसला करेगी कि कैसे मान्यता देना है या नहीं, इसलिए 12 सितंबर को बैठक बुलाई गई है। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वीके गोयल ने बताया है कि 178 स्कूल मान्यता के लिए आवेदन इन्होंने किया था, जिसमें सिर्फ 41 स्कूलों को मान्यता दी गई थी। बाकी 133 स्कूलों को 31 अगस्त तक कमी पूर्ति करने का समय दिया गया था। अब फॉर्म जमा हो गया है, 12 तारीख को पता चलेगा कि किसे मान्यता मिली है और किसे नहीं। यात्री सुविधा समिति के अध्यक्ष रामचंद्र रत्न बिलासपुर रेलवे जोन का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर उन्हें पीने के पानी की घटिया क्वालिटी मिली। उन्होंने कहा है कि पानी की टेस्टिंग नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ के हिसाब से बाकी सुविधाएं बेहतर हैं। इसके साथ ही निजीकरण को लेकर रामचंद्र रत्न ने कहा है कि ये निजीकरण नहीं है, जन भागीदारी से काम हो रहा है। वहीं रुक करते अगली खबर का, खबर आपको बता दें कोरबा से मिल रही है, जहां पर विद्युत कर्मियों की पिटाई करने का मामला सामने आया है। व्यवस्था दुरुस्त करने गए कर्मचारियों से दो शराबियों ने जमकर मारपीट की, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने साथी कर्मचारियों को दी। इसके बाद दर्री जोन के समस्त कर्मचारी दर्री थाना पहुंचे और आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। पूरा मामला ग्राम सेमी पालिका है। इधर पुलिस ने केस दर्ज करके जांच करने की बात कही है। तो उसके बाद एक आदमी आया जो मतलब खिचड़ी बनाते हो करके और गाली गलौज करके आया और केबल बदलो ये बदलो करके वो मारपीट करने लगा। और दो कर्मचारी हैं, अपने साथी कर्मचारी हैं, वो सेमी पाली लाइन बनाने के कार्य से गए हुए थे, जिसमें से दो व्यक्ति बता रहे हैं, जो भी नाम बता रहे हैं, कि दारू वारू पी के उनसे लड़ाई झगड़ा मारपीट किए, गाली गलौज किए, है ना। और खबर मिल रही है रायपुर से, जहां पर बारिश का दौर लगातार जारी है। राजधानी में हो रही झमाझम बारिश, रात से बारिश का दौर जारी है। दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है, साथ ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अभी ये सिस्टम जो बना है उत्तरी तटीय उड़ीसा पे, तो उसके कारण से जो है बारिश हो रही है। और हमारे छत्तीसगढ़ में रेड अलर्ट जारी किया गया है साउथ छत्तीसगढ़ के लिए, और साउथ छत्तीसगढ़ में हैवी रेन हुआ है कई जगह, जिसका डाटा अभी मिलेगा थोड़ी देर बाद। और मिडिल पार्ट में जो मध्य भाग है वहाँ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना।
वहीं रायपुर में हुई भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। आपको बता दें शहर के श्यामनगर इलाके के निचली बस्तियों में पानी भर गया है, लोगों के घरों तक में पानी चला गया है। जल भराव के बाद श्यामनगर इलाके का जायजा लिया हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा ने, देखिए। मैं अभी श्यामनगर इलाके की निचली बस्ती में मौजूद हूं और यहां पर रायपुर में हुई मूसलाधार बारिश से पूरा जो इलाका है वो जलमग्न हो गया है। यहाँ पर कुछ रहवासी उनसे बात करते हैं, बताइए कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बरसात के समय, ऐसे पानी भरता है तो? जी सर, यहाँ हर साल का यही है और ये देखो ना, बिजली खंबा ट्रांसफर वगैरह है, करंट वरेंट कभी भी आ सकता है। नगर निगम को इसको कुछ अच्छा ठोस इसका विकल्प निकालना चाहिए, क्योंकि हर साल यहाँ पानी भर जाता है, पूरा घर में पानी भर चुका है यहाँ का, और ये तो कम है, इससे भी ज्यादा भर जाते हैं सर। तो आप लोगों ने नगर निगम से बातचीत तो की होगी? जी सर, अब हम लोग तो आज तक ऐसा नहीं किए हैं, पर उनको खुद देखना चाहिए सब। कोई आता है नगर निगम का अधिकारी बारिश के समय? कोई नहीं सर, यहाँ कोई चेक वेक करने नहीं आता है, पानी पूरा भरा हुआ है, कहाँ से निकलेगा, इसका पासिंग वासिंग कुछ बनाना चाहिए जी। तो निश्चित तौर पर नगर निगम को इस ओर ध्यान देना हो। कैमरामैन श्याम पटेल के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। खबर कांकेर से है जहां पर एक बार फिर से भारी बारिश का कहर दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में पकंजूर, अंतागढ़, कोयलीबेड़ा क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते इन क्षेत्रों में सभी नदी नाले उफान पर हैं। वहीं अंतागढ़ के बुलावंड में कई कच्चे मकान ढह गए हैं। साथ ही अंतागढ़ से भानुप्रतापपुर पकंजूर जाने वाले मार्ग में पानी भरा हुआ है, जिसके चलते आवागमन पूरी तरह से ठप हुआ है, जिसके चलते वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बालोद में भी लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण नदी नाले उफान पर हैं। तो वहीं ऐसी जगहों पर भी लोगों की थोड़ी सी लापरवाही खुद की जान का दुश्मन बन जाती है। ऐसी घटना यहां पर डोंडी लोहरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत केरी जुंगेरा नाले के पास देखने को मिली, जहां पर जुंगेरा नाले में उफनते पानी में वाहन चालक की लापरवाही के चलते 3 साल के मासूम बच्चे सहित कुल 6 लोग बह गए, जिसमें 2 लोगों ने तो अपनी जान बचा ली जबकि मासूम सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जिनके शवों को SDRF की टीम ने बाहर निकाल लिया है। बीच नाला में अचानक बाढ़ आ गया, ऊपर से गाड़ी अचानक बाढ़ में आके गाड़ी पलट गई नीचे भाग में, इसमें 4 लोग पानी में भाग गए, जिसमें सभी का एक बच्चे को छोड़ के बाकी सभी का शव मिल गया है। आज दो एक महिला एक पुरुष का शव आज मिला है, और उसके 3 साल के बच्चे का शव वो पता तलाश कर रहे हैं, हमें दो दो तीन पता तलाशने लगी हुई है। और अब खबर बस्तर से है, जहां पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण शहर में आधे दर्जन से ज्यादा मकान ढह गए हैं। जगदलपुर में 6 लोगों की मौत होने की जानकारी है। अनुकूल देव वार्ड में देर रात हुए तेज बारिश से पक्के मकान की साइड दीवार ढह गई और कमरे में सो रही एक बुजुर्ग महिला की दीवार में दबने के चलते मौत हो गई। घटना के वक्त घर में एक बच्चा समेत 3 लोग मौजूद थे। इधर बस्तर SDM ने बारिश से 7 मकान गिरने की पुष्टि की है, साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि देने की बात कही। बता दें मौसम विभाग ने बस्तर डिवीजन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बस्तर के इलाकों में आज अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई। भारी बारिश हुई है और भारी बारिश होने के कारण से कुछ दीवारें मकानों के जो रियासी मकानों की दीवारें गिरी है और उसमें दबने के कारण कुछ लोगों की यहाँ पर मृत्यु है। ऐसा लगता है कि लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है। और अब खबर धर्मनगर से आपको बता दें, जहां पर विजयनगर कोटमोहली पारा तालाब में 18 साल की बालिका का शव मिलने का मामला सामने आया है। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ग्रामीणों की माने तो मृतका सुबह खेतों की तरफ गई थी, उसके बाद उसका शव तालाब से मिला तो मृतका शांतिबाई एक हाथ से कमजोर थी। पूरा मामला काफू थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और अब खबर बलरामपुर से मिल रही है, जहां पर बसंतपुर थाना अंतर्गत हत्या का एक मामला देखने को मिला है, जहां पर पोते ने अपनी दादी की एक धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी, जिससे 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
ऐसा रहा है, पोते ने जादू टोने के चलते अपनी दादी को जान से मार दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और धारदार हथियार को भी जब्त किया है। मतलब संदेह में ही मतलब उसको वार किया गया है। अभी आरोपी को गिरफ्तार कर चुके हैं, बाकी विवेचना में जारी है। और फॉर मुंगेली से आपको बता दें, जहां पर रानीखेत पार करते वक्त बहे बच्चे की तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन तीसरे दिन भी रेस्क्यू टीम को अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई। गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम बच्चे की तलाश में जुटी है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कांग्रेस पार्षद अरविंद वैष्णव ने प्रशासन पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लापरवाही करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, दो दिन पहले बड़ा बाजार में 10 साल का मासूम अपने दोस्त के साथ गणेश जी देखने आया था और पुल पार करते वक्त बह गया था। साल का बच्चा जो है आज 3 दिन हो गया, नदी में बह गया था, जिसका अभी तक कोई पता नहीं है। निश्चित रूप से रेस्क्यू का जो टीम है वो ढीला ढाला चल रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों का जिस हिसाब से सहयोग मिलना चाहिए उस हिसाब से सहयोग नहीं मिल रहा है। टीम लगी हुई है, रेस्क्यू टीम उनके द्वारा खुलवाया जा रहा है। कल एसडीआरएफ की टीम आई थी, उन्होंने भी प्रयास किया था अपनी तरफ से, लेकिन बारिश जा रही है तो और कल बहाव भी तेज था तो उतना दिक्कतें आ रही है। आज भी लगातार बलरामपुर जिले की ग्राम पंचायत में आपको बता दें, आदिवासी परिवार गांव के दबंगों से बेहद परेशान हैं और खौफ के जीवन में जीने को मजबूर हैं। गांव के दबंगों ने उनके जानवरों के चरागाह और उनकी निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया है। ग्रामीणों के मना करने पर वो उन्हें डराते धमकाते हैं और मारने की धमकी देते हैं। दहशत में आए आदिवासियों ने अकेले घूमना भी बंद कर दिया है और अब वो झुंड में रह रहे हैं ताकि किसी अकेले को देखकर दबंग उनसे मारपीट न करने लगे। ग्रामीणों की शिकायत पर कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए तहसीलदार को निर्देशित किया है। वहीं तहसीलदार ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। सरकारी जमीन हमें पोखरा के बगल में हमारे गोरु छेरी के निकास बंद करे थी, यादव कब्जा करे थी, हमें उतनी कब्जा कर दी। पूरा 35 घर ही समर पड़ा, पूरा टोला पड़ा, 3500 घर के पूरा बमका थी। या है परा तो कुदे कुदे रोड है पास तो डर नहीं डरा तो पासर पर तैयार है। एक 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 जन के भेटी, दो आदमी की भेटी तो मारबे नहीं। वेतन के हेतु नियत किया गया है, मैं हल्का पटवारी को तत्काल उस पर गया हूँ, जैसे ही प्रतिवेदन प्राप्त होता है आगे कार्रवाई की। कोरबा जिला नगर सेना का वार्षिक निरीक्षण कार्यालय अधीक्षक जिला प्रमुख ने किया और 170 जवानों की किट, फायर और अन्य तकनीक की भी जांच की। परेड और किट जांच के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जवानों को नगद पुरस्कार और कसौटी पर खरे नहीं उतरने वालों को सजा भी दी गई। हमारे मुख्यालय के निर्देशानुसार वर्ष में एक बार संभागीय सैनिक द्वारा और एक बार कार्यालय प्रमुख द्वारा अपने ही कार्यालय का निरीक्षण किया जाता है। उसी अनुक्रम में आज मेरे द्वारा कार्यालय निरीक्षण किया गया है, जिसमें जवानों की परेड और राइफलों के साथ परेड और और अब खबर आपको बता दें जगदलपुर से है, जहां पर ऐतिहासिक सरोवर दलपत सागर में बने बंड के विरोध में लंबी लड़ाई लड़ने वाले दलपत सागर बचाओ मंच के संरक्षक संजीव शर्मा जल भराव की समस्या को देखते हुए बंड को तोड़ने नाले में कूद गए और फावड़े से बंड में बने पुल को तोड़ने की कोशिश करने लगे और बंड तोड़ने की मांग को लेकर लगभग 1 घंटे तक बारिश के बीच नाले में आधा डूबकर अपनी मांग को लेकर अड़े रहे। दलपत सागर से लगे हुए मोहल्ले की स्थितियों में आज जल भराव हो रहा है, इसके लिए नगर निगम किरण देव और जतिन जसवाल दोनों की परिषद दोषी है। ये भू माफियाओं के इशारे पे चल रहे हैं और जनता की इनको चिंता नहीं है। जनता के घर टूट जाए, लोग मर जाए, इनकी चिंता नहीं है। ये भू माफियाओं के दलाल है, ऐसे लोगों को इस शहर में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। शहर की जो बसाड़ भी प्रॉपर नहीं है, ड्रेनेज का सिस्टम काफी गड़बड़ा गया पहले की तुलना में, ठीक है, और उसके अलावा जो वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए वो भी प्रॉपर नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर वाटर लॉगिंग हो गया है। तो हम ये देख रहे हैं, अभी मैं पूरा मौका भी नहीं देखा हूँ, हम इस वाटर लॉगिंग को कहाँ से पानी की निकासी करें और इस समस्या का समाधान हो सके, यही प्रयास कर रहे हैं। अब खबर मिल रही है सूरजपुर से, जहां पर प्रतापपुर और घुई वन परिक्षेत्र में हाथियों का आतंक लगातार जारी है।
पिछले चार दिनों में ही हाथियों ने दर्जनों मकान तोड़ दिए हैं, साथ ही सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया है, जिसकी वजह से स्थानीय ग्रामीण दहशत में हैं। तो वहीं वन अमला हाथियों के सामने हथियार डाल चुका है और कार्रवाई के नाम पर मुआवजा बांटने में लगा है। चारों तरफ घेरे हुए थे। कितनी संख्या थी हाथियों? लगभग 20-25 के आसपास रहे होंगे। क्या क्या नुकसान पहुंचा? धान, मक्का, चावल और घर में जितना अनाज रखा था वो खा गए, बाड़ी पूरा खा गए, मकई मछली और घर में था साल पूरा वही खा गए, अनाज चावल था, मकई था, मछली था, धान था। नहीं तो अब हाथी तो जंगल, एक जंगल मुश्किल से सभी ग्रामों से आप देखोगे डिस्टेंस मुश्किल से 1 या 2 किलोमीटर का है, जंगल और गांव के बीच में ज्यादा दूरी तो है नहीं, तो हाथी तो जंगल में है और रात को निकलते हैं वो। जिला मुख्यालय से सटे ग्राम पंचायत ठेलका बोर्ड के पोल्ट्री फार्म में लगातार तेंदुआ घुसकर मुर्गियों को अपना शिकार बना रहा है। तेंदुए अब तक लगभग 70 से ज्यादा कड़कनाथ मुर्गियों का शिकार कर चुके हैं। घटना की जानकारी फार्म मालिक ने वन विभाग को दी, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब फार्म मालिक ने तेंदुए का वीडियो बनाकर विभाग के अधिकारियों को दिखाया है, जिसके बाद विभाग के अधिकारियों ने इसे सत्य मानते हुए पिंजरा लगाया। हालांकि अब तेंदुआ पकड़ से बाहर है। तीसरे दिन फिर तेंदुआ घुसा और 10-12-15 मुर्गियों को मारा। उसके बाद मैंने फिर वन विभाग में सूचना दी, तो फिर वहां से वो आए थे अधिकारी, 7-8 अधिकारी आए, मुआयना किए, देखे, उसके बाद पिंजरा लगाने का आदेश दिए। तो फिर कल 5 तारीख को शाम को 6-7 बजे पिंजरा। खबर आपको बता दें रेश्वर से, जहां पर 1 दिवसीय दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनाए गए। शिविर में जिले भर के दिव्यांग UDID कार्ड बनाने के लिए मौजूद हुए। समाज कल्याण विभाग द्वारा जिला चिकित्सालय परिसर में इसका आयोजन किया गया। और यूथ फाउंडेशन कटघोरा जिले में लगातार लोगों की मदद का सराहनीय काम कर रहा है। कोरबा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर लखनपुर गांव में 75% जले समय लाल नागवंशी के इलाज में मदद से फाउंडेशन ने उसे स्वस्थ तो बनाया ही, आजीविका के लिए हाथ ठेले चलाकर फल और अन्य सामग्री देते हुए इनके परिवार के लिए खुद के जीने का साधन भी मुहैया कराया। बताया जा रहा है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहा था और जलने से शारीरिक क्षमता में थोड़ी कमी आने पर खेती का काम भी नहीं कर पा रहा था। आते समय जल गए हैं और मोला एक सेंटी भैया और ज्योति प्रताप भैया कोरबा, लेकिन कोरबा ले बिलासपुर, लेकिन बिलासपुर ले ठीक होकर नानी है तब मोर भैया फल फूल दुकान खोल दे, मोर हाथ पैर तो नहीं चले बढ़िया ढंग से, वो तो चिपक गए है, मन मदद करी है मोर। ये संस्था है अनेक क्षेत्र में काम करती है, जैसे समाज के लिए काम करती है, वैसे ही एक हमारा शिक्षा सेवा मित्र के तहत कार्य करती है, ऐसे बहुत से कार्यक्रम हैं जो हम चला रहे हैं। कितना लाभ मिल रहा है समाज में? ये समाज में बहुत ज्यादा ही लाभ मिल रहा है और बहुत लोग ही बहुत खुशी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अब खबर आपको उत्तर दमदार से है, जहां पर अदानी फाउंडेशन द्वारा ढोल नारा कार्यालय परिसर में सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र सिदार ने की। सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पूजा अर्चना दीप प्रज्वलन कर शिक्षकों और अतिथियों का स्वागत तुलसी का पौधा भेंट कर किया गया। क्षेत्र के स्कूली बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी दी गयी। गुरु मान करके उनको उनसे शिक्षा मिलिए। आप सब लोग को विदित होगा कि गुरु द्रोणाचार्य जी का मूर्ति स्थापना करके एक लव्य जी अपने आप को शिष्य स्थापित करके उन्हें अपना गुरु मान करके मूर्ति को स्थापित करके उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर विधानसभा स्तरीय शिक्षक दिवस सांस्कृतिक भवन बिलाईगढ़ में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक चंद्रदेव राय और कसडोल बिलाईगढ़ ब्लॉक के शिक्षक मौजूद रहे। शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसमें हमें पूरे
छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए सुराज एक्सप्रेस।